दोस्तों, शेजन्स किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं शाही पनीर बनाने की रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी। ये देखिए, मैंने पनीर लिया है, जो इस तरह से इसको काट लिया है। सबसे पहले हम लेते हैं प्याज, जो मैंने 3 प्याज बड़ी बड़ी इस तरह से काट ली है। लेंगे फिर टमाटर, जो ऐसे क्यूब्स बना लिया है मैंने, तीन तीन टमाटर लिया है। ये कैशू काजू जो मैंने इतने लिए हैं, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला जो दम पे डालना है हमें वो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, ये पनीर मसाला जो 1 टेबलस्पून लिया है। बघार में डालने के लिए ये मैंने तेज पत्ता लिया है, ये दालचीनी, इलायची, सूखे लाल मिर्च, लौंग, ये थोड़ी सी काली मिर्च, ये बटर लिया है मैंने जो हम दम पे इसको डालेंगे, हरी मिर्च 4 से 5 लिया है और आधा नींबू, दही 1/2 कप लिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इतना अपना ऑयल गर्म हो चुका है। हम पहले तो इसको पनीर को अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। ये पनीर गोल्डन कलर के हो चुके हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक एक करके आराम से निकाल दें इसको। चलिए, ये पनीर हमने फ्राई कर लिया, अब हम इसमें डालते हैं दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची, ये लाल मिर्च और ये भोजवार पत्ता। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, फ्लेम बढ़ा दीजिए। प्याज को हल्के से अच्छे आराम से इसको थोड़ी सी तल लें, थोड़ी लाली प्याज आ जाएगी। ये प्याज हमारी अच्छे से वो हो चुकी है, अब हम इसमें डालते हैं टमाटर। हरी मिर्च, हाँ
और ये काजू डाल देंगे। इसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा सा। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें इसमें। हल्दी पाउडर भी डाल दें, लाल मिर्च भी डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दही भी डाल दें इसमें। इसको 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने दें, हल्की सी फ्लेम पे पकाएं। इसको ढांकते ये देखिए दोस्तों, हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसको नीचे प्लेट में निकाल देते हैं। ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको हमें ग्राइंड करना है। इसमें जो बोजवार पत्ता मैंने डाला था ये हम निकाल देंगे। फिर हम इसको दम पे डालेंगे। तो मैं अच्छे से इसको ग्राइंड कर चुकी हूँ। जो अभी मसाला अपन ने फ्राई किया था ये मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है बारीक। अब अपन पैन स्टोव पे रखा है, इसको गरम कर दिया। इसमें हम बटर डाल देंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाने दीजिए। चलिए बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम जो पिसा हुआ मसाला है वो अब इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब इसको अच्छे से पकने देते हैं। ये देखिए ये अच्छे से पनीर का मसाला अच्छे से वो मिल चुका है। अब हम इसमें पनीर डालते हैं। ये गरम मसाला डाल देंगे। ये पनीर मसाला। ये कसूरी मेथी जो मैंने थोड़ा सा हल्के से फ्राई करके इसको इस तरह से स्मैश कर लिया था। ये आधा नींबू जो मैंने बताया था उसको मैंने निचोड़ लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून मलाई ली है जो इसमें हम डाल देंगे। इससे पहले मैं आपको बताने से कि अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये भी इसमें डालें। मैंने सब कुछ डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। एक आधा ग्लास पानी डाल के
हम इसको पकने देते हैं। दस मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लीजिए, क्योंकि इसमें पनीर में सारा मसाला चले जाएगा। ढाप देंगे इसको, 10 मिनट के लिए रख दीजिए। ये पक्के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये जो मैंने निकाला था भोजवार पत्ता, वो हम डाल देंगे। तो पक चुकी है शाही पनीर, अब हम इसको प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखिए मैंने इसमें बॉल में निकाल दिया है पनीर। इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे ऊपर। मैंने थोड़े से काजू काट लिया है, वो इसमें से ऊपर ऐसे डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी अच्छी डिश है। जरूर ट्राई करिए एक बार, कैसे भी इसको ट्राई करिए, क्योंकि बहुत अच्छी या इतनी आसानी से बन चुकी है। और भी अच्छे अच्छे डिशेस मैं आपके साथ लेकर आऊँगी, इसको चपाती के साथ ज़रूर खाएं। और भी अच्छे अच्छे डिशेस आपके सामने लेकर आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।